अच्छा ढंग से बता रहे हैं जी, जो हमको सेक्शन दिया है अफसरों ने। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ से वाघा बॉर्डर के लिए जा रहा हूँ। 2:15 है और ऐसा कहते हैं कि अगर आपको एक अच्छी सीट चाहिए तो आपको 3 बजे से पहले वहाँ पहुँचना चाहिए। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ है नहीं, 30 किलोमीटर्स है। प्लान है कि मैं जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ और पहुँच के कोई अच्छी सीट ले लूँ ताकि मैं आपको सब कुछ दिखा सकूँ। एक मूवी थी सोहेल खान की, हीरोज, जिसमें वो लोग जाते हैं हर जगह और जितने भी इंडिया के अनसंग हीरोज हैं उनसे मिलते हैं और वो उनका एक प्रोजेक्ट होता है। तो बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 7.5 किलोमीटर और तो मैं यहाँ तो आ गया हूँ और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ फील कर रहा था जो मैं हमेशा बात करना चाहता हूँ आप लोगों से खुद से खुद। तो मेरे को एक चीज़ फील हो रही थी कि ये जगह जो अमृतसर है और जो वाघा बॉर्डर है ये काफ़ी अंडररेटेड है। इतना रश यहाँ पर है नहीं, लोग आ नहीं रहे हैं उतना। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग आए यहाँ पर विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप यहाँ देखेंगे जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं, वी आर इंडियन, वी आर प्राउड ऑफ इंडियन, BSF के लगे हुए हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किस तरीके से कैसे है, रोड पे लगे हुए हैं, लेकिन लोग देखने को तैयार नहीं है। और नैनीताल और ये सारी जगह बहुत अच्छी हैं, नेचुरल जगह हैं, सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन स्टिल ये अंडररेटेड हैं उनसे ज़्यादा, जबकि इन्हें ज़्यादा देखने आना चाहिए लोगों को। मैं बस यही चाहता हूँ, अपनी वीडियो के थ्रू यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्लीज़ आप लोग विज़िट ज़रूर करें और इसे अंडररेटेड से जो इसकी असली वैल्यू है इन जगहों की, उतनी वैल्यू इन्हें प्रोवाइड करें। गाइज, एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं वहाँ से आ रहा था और अचानक यहाँ, अब यहाँ से 5 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन गार्ड्स बैठे हुए हैं और BSF के जवान जो हैं उन्होंने यही बोला कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसकी वजह से अंदर जाना बिल्कुल मना है और किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने देखा ये सर यहाँ पर सब लोगों को बता रहे हैं कि अगले 15 दिन तक बॉर्डर टोटली बंद है जी, और क्योंकि कोरोना वायरस के जो जवान हैं, जो BSF के जवान हैं, उनकी भी सेफ्टी बहुत बड़ी चीज़ है जी, तो जी। उनके लिए आप लोगों को यहाँ नहीं आना है नेक्स्ट 15 दिन तक। इतना कॉपरेट हम लोगों को करना पड़ेगा सर का। हाँ जी, हाँ और जी। यहाँ आने से पहले एक बार फिर से जब 15 दिन बाद भी आए तो देख लें कि कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, उसी हिसाब से आए। जी सर, जी सर, हाँ जी, हाँ जी। तो आप जी हम पे बहुत लोग कॉपरेट कर रहे हैं जी, आपको अच्छे ढंग से बता रहे हैं जी, जो हमको सेक्शन दिया है अफसरों ने कि लोगों को बोलो भी 15 दिन के लिए बॉर्डर बंद किया है जी, और फिर जब चलेंगे तो फिर चलेंगे। हाँ जी, नहीं उधर क्या देखेंगे आप, तो बॉर्डर पे बंद है जी, 5 बजे तो अंदर नहीं जाने देंगे, तो आपको इतनी होने नहीं देगा, बाहर से लाउडर लगाने। चलो ठीक है जी, आपकी इच्छा है जी, हम तो आपको बता रहे हैं आपकी यहाँ की इच्छा है, उधर से फिर वापस आ जाना आप। बॉर्डर जी 15 दिन के लिए कानूनी तौर पर बंद किया है जी, सरकारी वो तो आपकी इच्छा है जी, हम तो बोलते हैं इधर से लौट जाइए, फिर अगर आप जाएंगे तो अपने रिस्क पर जा सकते हैं, फिर आगे बॉर्डर पर से जमीन देगी आपको। हाँ जी, 5 बजे रौनक रात का रास्ता, ठीक है, ओके सर। गाइस, आई होप कि अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हमारा तिरंगा लहराता हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ तक हम लोग जा नहीं सकते हैं, मना किया था। उन्होंने भी ये कहा मेरे को, जो पुलिस वाले थे, कि आप लोग अब चले जाइए लेकिन अगले पॉइंट से आपको रोक देंगे, फर्स्ट पॉइंट था इसलिए वहाँ से जाना दिया, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट से आप लोगों को घुमानी पड़ेगी गाड़ी। सो बस इसीलिए मैं यहाँ तक आ गया कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि तिरंगा हमारा लहराता हुआ इतना कहीं लग रहा है, हमारा बैठ लगे कि हम लोग नहीं जा सकते। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पर सारे पुलिस वाले हैं और ये इंतजाम किए हुए हैं कि आगे लोग ना जाएं। इस वीडियो को भी मैं यहीं एंड करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास कुछ है नहीं प्लान कि मैं कहाँ जाऊँ। पहले मैं रूम जाऊँगा, उसके बाद सोचूंगा कि कहाँ जाना है नेक्स्ट दिन में। लेकिन एक चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, हम लोग कभी भी BSF को या आर्मी को सपोर्ट नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। मैंने उन BSF के जवानों से बात की तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप वीडियो ले लीजिए और अपने चैनल पर डालिएगा ताकि सब लोगों को पता चले कि नेक्स्ट 15 डेज़ या नेक्स्ट 1 मंथ वो लोग ना आए। मैंने कहा ठीक है, मैं वीडियो लेने लगा। जब वीडियो ख़त्म हुई तो उन्होंने पर्सनली, पता है मेरे को क्या बोला, उन्होंने बोला बेटा
कोई भी ना जो यहाँ पर आता है वो मानता नहीं है, जो कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, लोग वहाँ कह के कि हम आगे से घूम के आ जाएंगे, हम आगे से घूम के आ जाएंगे, जहाँ आगे नेक्स्ट जो पॉइंट था जहाँ पर टोटली बिल्कुल मना था कि जा ही नहीं सकते, वहाँ से घूम के आ जाएंगे। लेकिन क्यों क्यों जब आपको मना किया है तो हम लोग क्यों आगे जाते हैं? वही चीज़ वो बोल रहे थे कि यहाँ कोई नहीं मानता है, सब लोग तब भी जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो हम लोग थोड़े से कोऑपरेटिव नहीं है इस मामले में, जो कि हमें होना चाहिए। सो बस अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मैं वहाँ जाता हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें देखता हूँ कि क्या करूँगा कैसे करूँगा। बाकी अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपने सपने कैसे पूरे कराएंगे, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ अपने सपने पूरे ऐसे घूम के और पंजाब देख के, जो मेरे को मज़ा आ रहा है मैं बता नहीं सकता। जब तिरंगा लहराते हुए अपनी आँखों के सामने दिखता है ना इतना ऊँचा, तो जो गूज़बम्स आते हैं, जो फीलिंग आती है ना, वो मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता। ज़रूर आइए इधर, लेकिन अभी नहीं, अभी 15 दिन 30 दिन तो जब तक कोरोना वायरस चल रहा है तब तक मत आइए, उसके बाद ज़रूर आइएगा। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।